अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स लेक्चर नंबर फोर टाइप सेवन। इससे पहले हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट सेट, मसावी सेट। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, दो सेट जो बराबर और मसावी हों, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वी यूज द साइन दिस। यानी कि ऐसे दो सेट्स जिसमें एलिमेंट की तादाद सेम हो, नंबर सेम ना हो, एलिमेंट की तादाद सेम हो, उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल सेट ए, एक्स वाई जेड। सेट ए हैज थ्री एलिमेंट्स, तीन नंबर है। सेट बी 1 2 3, तीन एलिमेंट है, लेकिन यहाँ हमारे पास अल्फाबेट्स है, यहाँ हमारे पास काउंटिंग है, लेकिन नंबर हमारे पास इस एलिमेंट में सेम है। अगर एक ऐसा सेट जिसमें सेट ए या सेट बी, सेट सी या डी दोनों में नंबर्स की तादाद सेम हो, और नंबर चाहे अल्फाबेट्स के हों या काउंटिंग के हों, तो हम उसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। एंड नंबर को जाहिर करता है ए मोड, ये हम अपना सिंगलटन सेट में पढ़ चुके हैं कि ये हमारा सेट ए, सेट हम नंबर लिखा नंबर ए मोड 1 2 3, तीन नंबर आ गए। सेट बी नंबर ए मोड 3 नंबर। सो सेट ए इज इक्विवेलेंट सेट बी, सेट ए सेट बी के मसावी है, बराबर है। यूनियन सेट्स, काइनेटिक सेट भी कहते हैं इसको, यूनियन सेट्स। यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स, यूनियन में दो सेट्स ऐसे हो, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू एनी ऑफ दिस सेट्स, द सिंबल यूज फॉर यूनियन। यूनियन की हम कहते हैं, यूनियन के लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो कैपिटल यू यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप इसको समझने में आता है, एक सेट हमारे पास ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी है एलिमेंट्स है 2 4 5 6, हमसे कहा जाए फाइंड द सेट ऑफ यूनियन सेट ए एंड सेट बी में। तो सबसे पहले तो हम अपना ए यूनियन बी, क्योंकि हम सेट्स मालूम कर रहे हैं ए यूनियन बी का, तो हमारे पास सिंबल आना जरूरी है। सिंबल में हमारे पास यू, तो ए यूनियन बी इज इक्वल 1 2 3। अब हमारे पास यहाँ एन था, जब हमने यूनियन मालूम कर रहे हैं तो एन को हटा के हमने यू पुट कर दिया, सेट 2 4 5 6। अब हम इसका यूनियन मालूम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आपके हैं मैट्रिक तक, उससे आगे भी यूनियन सेट हमारे यूज होता है। जैसे हम ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, हमारा मैथ सिक्स से जो हमारा मैथ स्टार्ट होता है वो हमारा मैट्रिक से आगे तक जाता है। तो बेहतर है कि आप इसको अभी समझ लीजिए यूनियन सेट। अब यहाँ जो हमारे सेट्स थे वो 1 2 3, तीन थे, यहाँ भी 2 आ रहा है, 4 5 6। तो क्या मैं दो मरतबा 2 लिखूंगी? नहीं। मैंने यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स को मिला के हम तरतीब से अरेंज कर देते हैं। कैसे? 1 पहले नंबर 1 आता है, उसके बाद 2 पहले बनता, फिर 2 फिर 3 1 2 3। अब यहाँ 2 है तो हम ए की मरतबा लिखेंगे जो मैंने लिखा 2 3 4 5 6, यानी कि मैंने इन दोनों सेट्स के नंबर को अरेंज करके लिख दिया। तो ये हमारा सेट है यूनियन सेट, जिसमें हम दोनों नंबर को मेच करके लिखे हैं। अच्छा जी, अब है हमारा इंटरसेक्शन सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट दैट आर कॉमन इन बोथ ऑफ देम। दिस इंटरसेक्शन क्लास है। इंटरसेक्शन सिंबल इज यूज फॉर इंटरसेक्शन, वो सिंबल हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, जैसे कि हमने यूनियन में यूज किया था यू। इंटरसेक्शन में हम इसको उलट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, टंग पर तो नीचे कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन में अब उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास है, एक्स सेट 2 3 8 9 एंड वाई सेट 5 12 9 16। हमारे पास दो सेट्स हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स को कंबाइन करके उनको मिलाकर उनमें जो कॉमन नंबर्स होते हैं एक जैसे दोनों में, उसको हम एक बार लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ नहीं है, 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9। 16 यहाँ है, अगर यहाँ नहीं है तो दोनों सेट्स को हम कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे, उनमें से जो सेम नंबर होंगे हम उसको लिख देंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस फर्क, सेटों का फर्क, दो सेट्स के दरमियान जो फर्क होगा वो डिफरेंस, जैसे कि हम करते हैं फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही साइन आता होता है, माइनस का फर्क। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए टू बी, दो सेट्स जिनमें हमें डिफरेंस करना है ए और बी में, सो कॉमन ए माइनस बी, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंस माइनस का साइन है, इज द सेट ऑफ
of those elements do not know that are in the set A. वो सेट A में तो एलिमेंट्स होंगे, but लेकिन सेट B में नहीं होने चाहिए. जैसे सेट A, A B C D माइनस डिफरेंस का साइन, B C E F. अब सेट A में तो होंगे, सेट B में जो होंगे कॉमन हम कट कर देंगे. जैसे A यहाँ है, यहाँ नहीं, तो मैंने सेट A में लिख दिया. B यहाँ है, मैंने इसको कट कर दिया. C यहाँ पर है, सेट A में भी है, सेट B में भी है. अब यहाँ क्या बाकी बचा, सेट A में A और D. तो हमने क्या कहा था कि वो एलिमेंट्स जो सेट A में तो हो लेकिन हम सेट B में इनको नहीं देखेंगे. तो ये A माइनस A कॉमा D, ये हमारा सेट है A माइनस B. अगर मैं बात करूं B माइनस A, सो अब सेट B पहले आ जाएगा. सेट B के हमारे पास B कॉमा C कॉमा E कॉमा F ब्रैकेट बंद माइनस का साइन. अब सेट A बाद में आएगा, A B C D, A B C D. अब देखिए B यहां पर है, यहां पे B, C यहां पर है, यहां पे B. अब यहां हमारे पास क्या बचा, E F. हमने सेट A को अब नहीं देखना, अब हमारे पास आ गया B माइनस A. सो हम कैसे लिख सकते हैं, सेट A माइनस B इज नॉट इक्वल B माइनस A. अच्छा जी, अब हमारे यहाँ 11 सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट. इफ ऑल द एलिमेंट्स, अगर तमाम एलिमेंट्स सुकून अरकान ऑफ सेट A आर इन सेट B, अगर वो तमाम एलिमेंट जो सेट A में हो सेट B में भी हो, देन सेट A इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट B. तो सेट A कहलाएगा सेट B का सबसेट, एंड इज नोटेड बाय, और हम इसको जाहिर करते करते हैं A सबसेट. ये U की शेप में होता है, लेकिन ये U नहीं होता, C की शेप में होता है. C तो ऐसे होता है, मतलब C नहीं होता, इस तरीके से थोड़ा सा गोल होता है. ये क्या था सबसेट, कौन सा है, A के एलिमेंट हम देखते हैं. A में एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड B में है 1, 2, 3, 4, 5. अब देखें सेट A में 1 भी है, 1 भी है, B में भी है, 2 में भी A है, B में भी 2 है, A में भी 3 है और B में भी 3 है. तो ऐसे एलिमेंट्स जो सेट A में मौजूद हो और सेट B में भी मौजूद हो तो वो हमारा कहलाएगा A सबसेट B. हमें इसका 4 और 5 नहीं देखना. वो एलिमेंट जो A में मौजूद हो और B में भी मौजूद हो तब हमारा कहलाएगा A इज अ सबसेट ऑफ सेट B. अब हमसे कहा जा रहा है डिफाइन सबसेट्स ऑफ A, A के सबसेट मालूम करें. जब हमसे सबसेट मालूम करने के लिए कहा जाए तो कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n. 2 फॉर्मूले का n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारे पास कितने नंबर है 1 एंड 2. तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं मालूम कि हमें कितने सेट बनाना, तो 2 की पावर 2 2 2 4, यानी कि हमारे पास जो सबसेट बनेगा वो कितने सेट का बनेगा, 4 का. सॉल्यूशन पावर कितने सेट बना सकते हैं, p सबसेट इज इक्वल, एक हमारे बनता है नल सेट. सबसे पहले नल सेट 1 2, एक एलिमेंट अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया और एक बार इनको साथ रख दिया, तो हमारे पास कितने सेट बन जाएंगे, 1 2 3 4. अगर हमारे पास नंबर एक नंबर हमें और दे दिया जाए 4, अब हमें कितने सेट बनाने, तो सेम फॉर्मूला रहेगा. अब एलिमेंट्स कितने होंगे, बस 3. तो हम 2 को 3 टाइम थ्रेस टाइम लिखेंगे, यानी कि थ्रेस 1 2 3, 2 2 4 4 2 8. अब हमें 8 सेट बनाने होंगे, कैसे, 1 तो रहेगा 1 2 3 4, 2 4, अब कितने हो गए 4 5 3 4 6, फिर 7, और एक बार हम इसको पूरा लिख देंगे 2 3 4. तो सबसेट मालूम करने का तरीका ये है. अब हमारा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अच्छा जी एक तरीका तो ये है कि हमने सबसेट मालूम कर लिया. अब हमसे बोलते हैं कि
सेट क्या होता है? सुपर सेट क्या होता है? जब हम इसको सेट बी को पहले लें और सेट ए को बाद में लें, तो ये हमारा क्या आएगा, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। सो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अब हमारे पास आ जाएगा ये B is a superset of A। अगर हम A पे लिखेंगे और set B बाद में आएगा तो set A is a subset of set B। फिर हमारे पास proper subset। If A is a subset of set B and A is not equal B, then A is a proper subset of set B and is written as A is a subset of set B। Example। हमारे पास सेट ए में 2, 3, 4, सेट बी में 1, 2, 3, 4, उसे 2 कैंसिल, उसे 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 और ये 4 कैंसिल। अब हमारे पास सेट ए में कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं बचा। जब कोई एलिमेंट बाकी ना बचे तो वो हमारा कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। अब हमारे पास लास्ट इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? द सबसेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट, जो हमें सेट दिए गए हैं उनके तमाम एलिमेंट्स बराबर हो, तो वो हमारे लिए प्रॉपर सबसेट। कैसे? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, वो सेट जो हमारे 10 से छोटे होंगे, जैसे कि 1 से लेकर सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 9, यानी कि वॉट इज कॉल्ड से लेकर एक से लेके नौ तक नंबर हो, द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, यानी कि शुरू के 5 मुकम खुद रखेगा, वो भी हमारे कितने आएंगे, एक से लेकर 9। तो दोनों में हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं, ना इसमें कुछ ज्यादा है ना इसमें कुछ कम। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो जाए कि दोनों में सेट एलिमेंट बराबर हो, तो हमारा क्या आएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। और सबसेट लिख के हम बस नीचे एक लाइन लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ हमारे टाइप्स ऑफ सेट कंप्लीट हो गए। अब जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, हमारे एक्सरसाइज होगी 1.1।